just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष को लेकर मचे घमासान के बीच के सुरेश नाम का नया ट्वीट आ गया है, क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिनका नाम के सुरेश ही है। अब इनका मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी ओम बिड़ला से है। ओम बिड़ला के नाम से तो सब वाकिफ ही हैं, लेकिन के सुरेश का नाम कुछ लोगों ने इससे पहले शायद ना सुना हो। चलिए हम आपको बताती हैं के सुरेश कौन है। कोडिकुन्नल सुरेश यानी कि के सुरेश केरल के मवेलिकारा लोकसभा सीट से सांसद हैं। साल 1989 से उनका इस सीट पर कब्जा है। वो अब तक 7 बार सांसद बन चुके हैं, इस लिहाज से लोकसभा सदस्य के तौर पर सबसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। के सुरेश कांग्रेस की सरकार में 2012 से 2014 तक राज्य मंत्री थे। 2018 में उन्हें केरल कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और AICC के सचिव भी रह चुके हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मवेलिकारा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और CPI के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस के सुरेश ने CPI के उम्मीदवार अरुण कुमार को 1,868 वोटों के अंदर से हराया था। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद के सुरेश को अब सबसे बड़ी परीक्षा देनी है, यानी कि 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष की परीक्षा। ये सियासी परीक्षा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रही है। लोकसभा स्पीकर के लिए अब बुधवार को मतदान शुरू होगा। इसके लिए इंडिया और एनडीए के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब मंगलवार को ये तय हो जाएगा कि 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर पद पर कौन काबिज होता है। साथ ही चुनाव के साथ स्पीकर को लेकर चल रहा सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा।